हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सारे? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है और काफ़ी लेट स्टार्ट किया। अभी बज रहे हैं दिन के 2, तो सुबह से हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेकफास्ट तो हो गया हमारा। तो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट हो चुका है, काफ़ी देर हो गई ब्रेकफास्ट हुए तो। खैर अभी नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट हमने 10:30 के बाद कर लिया था। ब्लॉग देर में स्टार्ट किया क्योंकि सुबह से वही है, आपको पता ही है, काम वाम कर रहे थे और धूप तो आपको दिख ही रहा होगा इस खंबे में, पोल में, कि है धूप लेकिन उतनी नहीं है, उतना नहीं है धूप जितना होना चाहिए। थोड़ा बादल है। तो बस अभी मैंने लंच बनाया, आज मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाया, कुछ खास नहीं, वेजिटेबल पुलाव बनाए और धनिया की चटनी बनाई है, धनिया टमाटर की चटनी बनाई है। तो करते हैं लंच, फिर मिलती हूँ आपसे। और हाँ, मैं दिखाऊँ आपको कि आज मैंने कपड़े धोए हैं। कपड़े तो खैर रोज ही डेली के ही होते हैं, आपको पता ही है, सभी का है वो। और फूल देखिए मेरे लग चुके हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, रुक जाइए, बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए फूल, हम जो मैं गेंदा जो है लेके आई थी अपने कॉलर में, जो अंकल की नर्सरी, वहाँ से। तो अरे, नर्सरी से याद आया कि बहुत ही दुख की बात है कि जिस नर्सरी से मैं ये फूल लेके आई थी, मतलब यहाँ पे मैंने फूल लगाए हैं, इस साइड भी मैंने बैंगन के पेड़ लगाए, मैंने दिखाया था आपको पिछले ब्लॉग में। तो बहुत ही दुख की बात ये है कि मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, अचानक ही क्या हो गया ये सब, कि पता ही नहीं चलता, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है सच में। ये अंकल जो थे उस दिन, उन्होंने मुझे पौधे दिए थे और उसके बाद अचानक ही। तो ये कह रही थी मैं आपसे कि मतलब लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, मतलब क्या हो जाता है। बहुत ही दुख की बात है कि उस दिन मैंने, मतलब ये बात है 16 नवंबर की बात है, 16 नवंबर को मैं घर से आई हूँ और अभी 4 दिन पहले जो है मम्मी मुझे कॉल करके, नहीं 4 दिन नहीं, 2 दिन ही हुए पहले मम्मी मुझे कॉल करके, हम बात कर रहे थे। तो मम्मी ने बोला कि अरे बहुत दुख की बात है, कॉलोनी में बहुत एक बुरी घटना हो गई, दुखद घटना हो गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? तब कहने लगी कि अंकल जो है, कल्याणी नर्सरी वाले अंकल, किशन अंकल, किशन है उनका नाम, किशन उपाध्याय, मतलब बैंक में काम करते थे, वो अच्छी पोस्ट में थे, SBI से रिटायर हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने शौकिया तौर पे जो है ये नर्सरी खोली थी और बहुत ही बढ़िया है। कभी मैं घर जाऊंगी अब तो मैं दिखाऊंगी आपको उनकी नर्सरी, बहुत बढ़िया नर्सरी है। तो वो उन्होंने खोला था, तो उसी में वो काम करते थे, अपने साथ एक आदमी रखा हुआ था, तो उसी में वो जो थे अपना पूरा दिन टाइम पास करते थे आफ्टर रिटायरमेंट। तो मैं ये बता रही थी कि मतलब उनको स्लाइटली ऐसे फीवर था, अब उसके बाद तो फीवर था 1-2 दिन, और उसके बाद बस तीसरे दिन में ही जो है उनको थोड़ा ज़्यादा पेन होने लगा। मतलब पेन भी ऐसा कहीं कुछ पर्टिकुलर नहीं था, मतलब कहाँ पेन हुआ कुछ पता नहीं है, मतलब ले गए उनको हॉस्पिटल, वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल ले जाते उनकी मतलब डेथ हो गई। तो बस मतलब ले गए वहाँ पे तो उनकी डेथ हो गई फिर बस। तो मतलब बताया नहीं हॉस्पिटल वालों ने, कोरोना है नहीं है कुछ नहीं बताया। तो उसके बाद बस वो फिर कुछ खास मतलब मिलने नहीं दिया लोगों को, तो वही बता रही थी मैं आप लोगों से। तो मतलब मुझे वो अंकल का सुन के बहुत ही बुरा लगा, मतलब जब मैं उनसे मिली थी वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थे, मतलब अच्छे थे, वो लग भी नहीं रहे थे कहीं से बीमार। बल्कि उस दिन मैं गई थी जिस दिन ये पौधे लेने, तो बल्कि मुझे ये कह रहे थे कि आंटी थोड़ी बीमार है। तो आंटी से मैं उस दिन मिल नहीं पाई थी, आंटी से मैं नेक्स्ट डे मिल के आई थी फिर, बल्कि मैं, और मैं जब आ भी रही थी तब भी आंटी मुझसे मिली थी, अच्छे से जाना ये सब बोल रही थी। लेकिन देखिए लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, क्या कर सकते हैं। बातें बहुत हो गई यहीं पे बैठे बैठे, अब पंकज आएंगे तो खाना खाएंगे हम, लंच करेंगे, अभी तक आए नहीं है, शायद आज घर जाएंगे। तो घर में आज मैंने सासू माँ को बोला था कि आज हम आएंगे, तो मतलब जाते हम 1-2 दिन, 2 दिन 3 दिन छोड़ के जाते रहते हैं, पर आज मैं इसलिए मतलब बोला था उनको मैंने कि आज मैं आके फिश बनाऊंगी, फिश करी। तो देखते हैं अभी क्या होता है, प्लान तो है, देखते हैं अभी होगा तो आपको भी लेके जाएंगे घर तब। चलिए फिर, अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो हो गए हैं हम तैयार और निकल रहे हैं हम घर के लिए, मतलब मुंगल के लिए ऊपर। और आप देख सकते हैं लाइट इसलिए जला दी और मैंने पूजा भी कर लिया है, तो ये लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम अब निकल रहे हैं, शाम हो चुकी है काफ़ी, तो बैठ गए हम गाड़ी में। चलिए चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं आज और दिखाते हैं घर। चलिए, तो ये हम हरियाल मार्केट में आए हैं क्योंकि हम आज चिकन भी लेंगे और फिश भी लेंगे, तो बंगल
जंगल में नहीं मिलता है फिश, इसलिए हम हरियाल वाले मार्केट आए हैं। तो चलिए हम पहले मार्केट में थोड़ा सामान ले लेते हैं, उसके बाद मैं आगे जाएंगे फिर। तो ये देख लीजिए, हमने ले लिया है फिश, और आपको साइड में संडे देख रहा होगा। आप सोच रहे होंगे मैंने एक पाँव में ऐसा क्यों पहना, ऐसा नहीं, असल में मैं एक यार गाड़ी में हमेशा एक्स्ट्रा शूज रखती हूँ, मेरी आदत है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है आपको, एक दूसरा पाँव एक दूसरा पाँव, वो नहीं है, असल में दोनों ही एक ही पाँव पहना हुआ है। तो चलिए अब यहाँ से फिश तो ले लिया, लेकिन यहाँ पे मुर्गा जो था फ्रेश नहीं था शायद, तो हमने यहाँ से नहीं लिया है, वो हम ऊपर मार्केट से ही ले लेंगे। चलते हैं अब आगे। चलिए जी हम आ गए हैं अपने फेवरेट शॉप में, शर्मा स्टोर में, और बहुत ही हमारी फेवरेट दुकान है ये, और यहाँ पे सारा सामान मिलता है अंकल जी की शॉप में। ये काफ़ी बड़ी शॉप है इनकी, और सारा सामान मिलता है यहाँ पे। तो सामान मैंने ले लिया, थोड़ा सा सामान लेना था, चलिए चलते हैं, तो गाड़ी लगी हुई है, चलिए तो हम चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ चलते हैं अब। और आ गए हम गांव में, गांव हाँ गांव है, यहीं पे घर भी है, और देखिए यहाँ पे किसी की शादी भी है, ये रिलेटिव है हमारे, तो इसके लिए उनका घर सजा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं अपने गांव की अपने घर के तरफ, यहाँ से जाएंगे हम, ये रास्ता है घर। देखिए आजकल तो गांव तो नाम के रह गए, वरना घर देखिए कितने बढ़िया बढ़िया बन गए, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये घर देख लीजिए आप कितने बढ़िया बढ़िया बन गया। अब ये गली है, शायद मेरी आवाज़ साफ नहीं आई होगी वहाँ पे, इसलिए मैं दोबारा से बोल रही हूँ, दोबारा से कैप्चर कर रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे ना गली पे थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए अभी थोड़ी सी गंदगी है, वरना ये ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे पाइप वाइप डाला था तो इसलिए उसी का काम चल रहा है। और ये लोग जा रहे हैं आगे, ये देखिए ये लोग जा रहे हैं इस तरफ से, ये देखिए अब ये जो घर आएगा यही हमारा घर, बस ये जो गेट है ये हमारा घर है, और एक है कि हमारा आंगन एक ही है, मतलब चाचा ताऊ सभी का, मतलब एक चाचा ताऊ जी का नहीं है बाकी सबका, ये हमारा घर है सबसे पहले। और ये हमारी गाय है, पहले एक गोरी भी थी लेकिन गोरी हमें छोड़ के चली गई। अब ये है सांवरी, ये सांवरी है, और ये इनके साथ खेल रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं, वो देखो गाय भी बहुत खुश हो रही है। और ये भी चाचा जी का घर है, और ये हमारा घर है, हाउस टूर में एक दिन कराऊंगी आप लोगों को। चलिए पहले मैं अंदर जाती हूँ, सामान रख लेती हूँ थोड़ा सा। देखिए हमारा एंट्री इस तरह से है, और ये किचन है। चलिए बाहर चलते हैं, मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ अभी आप लोगों से। तो घर आते ही पहले सबसे पहले हमें मिल गई टोडा, टोडा मतलब कि मकई की रोटी और सरसों का साग, मम्मी जी ने बना के रखा था, तो पहले हम इस पे झपट पड़े, हम यही खा रहे हैं, देखिए ये भी खा रहे हैं, और मम्मी जी यहाँ बैठ के चाय पी रही हैं, हंस रही है, मम्मी जी हाय बोलिए सबको, हाय बोली मम्मी, मम्मी जी हमारी बहुत कैमरा शाय है तो वो शर्मा गई, एक बार वो हाय बोल रही, मम्मी जी हाय बोलिए, देखिए हाय कर दिया उन्होंने, वाओ। और ये सिया बैठी हुई है, मम्मी जी हमारी बहुत कैमरा शाय है इसलिए, लेकिन ये तुमने हाय नहीं बोला, तुम भी हाय बोलो। हाँ चलिए मैं खा लेती हूँ फिर बात करती हूँ आपसे, अच्छी भाई तुम। तो यहाँ पे चल रही है हमारी तैयारी, आप देख सकते हैं, ये मैंने फिश के लिए भी और चिकन के लिए भी पेस्ट बना लिए हैं सारे, काट भी लिया है कुछ बारीक, इसको तो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, इसको अभी धोना बाकी, अभी धुला नहीं है। तो चलिए बनाते हैं ये, फिर मिलते हैं आपसे अभी, मतलब मिलते हैं आपसे मतलब कि बनाते हैं इसको, चलिए। तो यहाँ पे मैं जो है फ़िश फ्राई कर रही थी, आप देख सकते हैं, और मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि फ़िश फ्राई करने के लिए तेल हमेशा जो है बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तभी जो आपकी फ़िश जो है आप जब फ्राई के बाद अच्छी कुरकुरी निकल के आएंगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही तेल गर्म कर रखा था, तो छींटे भी आ रहे थे, तो आप देख सकते हैं मैंने तो अजीब से फेस बनाया क्योंकि छींटे बहुत सारे आ रहे थे मेरे ऊपर, जैसा कि हमेशा आता है फ्राई के टाइम में। और हमने पहले सोचा था कि हम थोड़ा सा मतलब हाफ़ फ़िश को जो है फ्राई करेंगे और हाफ़ को जो है तरी के साथ बना के खाएंगे, लेकिन बाद में इन लोगों को बहुत अच्छा लगा तो इन्होंने सारे ही खा दिए। तो ये हम लोगों ने मतलब जो फ़िश फ्राई कर लिया, उसके बाद बाकी बच्चों का मेरा प्लान था पहले सब्ज़ी बनाने का, लेकिन इसका भी फिर हमने फ्राई करके खा लिया, और सिर्फ चिकन को जो है हमने खा लिया। मैंने चिकन बनाना शुरू कर दिया, मैंने पहले यहाँ पे इसका प्याज फ्राई कर लिए थे, उसके बाद अब मैंने चिकन के पीसेस भी डाल दिए, फिश चिकन इसलिए कम है क्योंकि फिश भी है, तो इसलिए
तो अब ये इसको मैं फ्राई कर दूंगी। उसके बाद ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे फिर मैं इसको इससे जो है निकाल लूँगी। पहले मैंने इन दोनों को अच्छे से भून लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम जो है निकालेंगे। मैं हमेशा अलग अलग तरीके से ही बनाती रहती हूँ, मतलब जितने अलग तरीके से हम बनाएंगे उतना ही जो है अलग अलग टेस्ट मिलता है, इसलिए पहले इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गोल्डन ब्राउन देखिए हमारे हो चुके हैं फिश तो खा लिया, वो तो पेट में है थोड़ा सा मतलब, और हो चुके हैं। बड़ा अच्छा कलर दिख रहा है मुझे, ये देखिए आप लोग को भी दिख रहा होगा। तो इसका मैं निकाल लेती हूँ और इसके लिए फिर अलग से हम मसाला भूनते हैं, अलग से मतलब इसी कढ़ाई में मसाला भूनते हैं हम। चलिए तो ये मैं मसाला भूनती हूँ। अभी मैंने इसमें प्याज डाला है, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी। तो मसाला मेरा भुन गया है, आप देख सकते हैं। तब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी, देखिए तेल छोड़ रहा है, मसाला अच्छे से भुन गया है। इसमें अब मैं चिकन डाल देते हैं। चलिए ये चिकन मैंने डाल दिया है इसमें, और थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना है तो थोड़ा पानी मिलाएंगे इसमें हम। गर्म पानी मैंने करा हुआ है तो इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी मिलाएंगे। तो बस अब इसको जो है थोड़ी देर में बॉईल कर देंगे, 5 से 10 मिनट और बस इसको बॉईल करेंगे ताकि इसमें टेस्ट अच्छे से आ जाए। उसके बाद बस खा लेंगे हम। डिनर करती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो चिकन हमारा रेडी हो चुका है, चलिए हम लोग डिनर कर लेते हैं। और मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया घर का, घर से ही लेके आई थी मैं, तो डाल दिया मैंने इसमें। तो चलिए अब हम डिनर कर लेते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। देख लीजिए एक बार, आपको एक लुक दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए। तो बहुत लग रहा है देखने में तो टेस्टी बना होगा शायद। तो चलिए फिर मैं डिनर करती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसा भूतिया भूतिया जगह में। आप सोच रहे हो इतनी रात को हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए एक बंदा भी नहीं है और ना ही कोई लाइट है, पर ऐसा नहीं है, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से और हम अब जा रहे हैं डिनर करके अपने घर की तरफ, मतलब अपने क्वार्टर की तरफ जो हमें मिला हुआ है स्कूल से, मतलब वो तो आप सभी को पता है। तो गाड़ियाँ बहुत है अभी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम घर जा रहे हैं, डिनर विनर सब हो गया, सब कुछ निपट गया। तो चलिए मैं अभी आपको घर में जाके मिलती हूँ, ठीक है। और ये देखिए अब टाइम क्या हो रहा है, ऐसे देखने से तो लग रहा है कि कोई 12 बजे का टाइम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख लीजिए टाइम, अगर आपको दिख रहा है टाइम हो रहा है 8:27। और ये हम अभी आ गए हैं DLM वैली के पास। आज यहाँ पे शादी नहीं हो रही है, अदरवाइज जब यहाँ पे शादियाँ हो रही थी अभी शादियों के सीजन में, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और इस जगह को तो आप पहचान ही चुके होंगे जो लोग मेरे ब्लॉग्स को कंटिन्यू देखते हैं, जो मेरे अपने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे अपने जो चैनल को मेरे वॉच करते रहते हैं, वो तो पहचान ही चुके होंगे इन जगह को। आप लोगों ने दिन में देखा है, आज मैंने आपको रात में दिखा दिया, फर्क सिर्फ इतना है। तो बस अब हम स्कूल के मतलब अपने रूम से, अपने स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है। और ये पीर बाबा की मजार के आप भी दर्शन कर लीजिए, हमारी रक्षा करते हैं भगवान जी यहाँ पे हमारी। बस अब आ गए हम गेट के पास, पहुँचते हैं। तो चलिए जी अब टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है। ये देखिए मैंने बालों पे तेल भी लगा लिया है, घर आ चुके हैं हम। और चलिए तो अब बाहर से ही जाएंगे आप लोग, तो इसलिए मैं बाहर आप लोगों को लेके आई हूँ। देखिए चलिए अब चलते हैं बाहर, काफी देर हो चुकी है, 9 बजने वाले हैं। तो अब टाटा बाय बाय करते हैं। ओके, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, बाय। और हाँ जी, एक लाइक जरूर करिएगा। बाय।